आज होगा फूड व्लॉग। चलेंगे आज आपको जमशेदपुर के स्ट्रीट्स में लेकर के और वहाँ दिखाएंगे ज़बरदस्त खाना जमशेदपुर का जो बहुत फेमस है, और यहाँ का स्ट्रीट ईटिंग हैबिट्स को आपके सामने रखेंगे और अलग अलग तरह के फूड्स को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जाने वाले हैं अभी फ़िलहाल स्टेशन, वहाँ पर आने वाले हैं हमारे कुछ मेहमान, हमारे कुछ फ्रेंड्स एंड मेनी मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मम्मी नाश्ता। 10 मिनट में ट्रेन स्टेशन में इन कर जाएगी और अभी हम लोग 12 किलोमीटर दूर हैं अपने रेलवे स्टेशन से। क्या हम पहुंच पाएंगे? ऑप्शन ए, नहीं पहुंच पाएंगे। ऑप्शन बी, लेट हो जाएगा। ऑप्शन सी, पता नहीं। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। स्टेशन के बाद सीधा हम लोग घर गए, फ्रेश हुए और सीधा पहुंच गए डिमना। थोड़ा सा डिमना व्लॉगिंग तो ज़रूरी होती है। जमशेदपुर आना है तो मतलब डिमना तो ज़रूर आना है। और ये हमारे भाई अलीगढ़ से आए हैं खास करके घूमने के लिए जमशेदपुर, और जमशेदपुर से आगे बहुत सारा सीक्रेट ब्लॉग है जो हम लोग करने वाले हैं और वो आपके सामने आने वाला है। तो कैसा रहा आपका सफर? बहुत शानदार रहा, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। कोई परेशानी वाली बात? कोई टाटा आने का एक्साइटमेंट ही इतना था कि कोई परेशानी आती भी तो उसका एहसास नहीं होता। अरे बाप रे बाप, जमशेदपुर तो जमशेदपुर ही है। खैर ये तो बात है कि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, इंसान से लेकर के जानवर तक खूबसूरत यहाँ मिल जाते हैं। हर तरह के नस्ल पाई जाती है यहाँ पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट में जो है वादियाँ हैं पूरी, जो कि बहुत खूबसूरत वादी है जी। टाटा आए तो एक बार डिमना जरूर आना चाहिए, 10 मिनट के लिए ही सही लेकिन आना चाहिए। इससे एक तरह की जो एनर्जी रिफ्रेशमेंट मिलेगा, यू कांट इमेजिन। सही बात है। सो वंस यू कम टू टाटा, यू मस्ट विजिट द प्लेस। हाँ, डिमना जरूर आना चाहिए। डिमना के ऊपर तो आपने पहले भी व्लॉग देखे हैं, लेकिन खैर दोस्तों साथ में तो सफर, जगह, खुशी और माहौल सब बन जाता है। और अगर आप बात करें लेफ्ट की बात तो आपने वादी देखी, और राइट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो रिजर्वायर है, ये नदी है, तालाब है, लेक है, जो मानिए। तो ये एक ज़बरदस्त जो है ना पेवमेंट है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, और उस पेवमेंट में एक तरफ तो वादी है और दूसरी तरफ। तो खैर अब इसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो सीधा हम लोग जाएंगे फूड व्लॉगिंग के। आपके किया, आपसे किया है वादा तो करना है पूरा, निभाना। और हाँ बता दूँ अगर मौसम के बारे में, तो मौसम की जानकारी मैं आपको अभी pleasant, दे देता हूँ कि मौसम वो दिखाओ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो जो सनसेट हो रहा है। वो सनसेट आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप सनसेट देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। अगर सनसेट का अगर आपको शूट लेना है तो यहाँ पर आकर ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो नेचुरल ब्यूटी है ये भी मैं चाहूँगा कि जो पूरा व्यूअर्स है वो एक बार देखे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मतलब कि देखने वालों के लिए जो है नज़र, जो है देखने वालों के लिए नज़र चाहिए और खूबसूरती ढूंढने वालों के लिए दिल चाहिए। कहना बस यही है कि बहुत अच्छा है यहाँ पर, माइंड फ्रेश हो जाता है। और ये हंसी वादियाँ, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान, और पता नहीं और क्या क्या है, गाना आगे आता नहीं है, तुम बता देना मेरी जान। एनीवेज इसके बाद होगा फूड व्लॉगिंग, हम जाएंगे यहाँ के कुछ स्ट्रीट फूड को टेस्ट करने और आप तक लाएंगे वीडियो फूड व्लॉगिंग के भी, और वहाँ का जायका आपके मज़े सर पे भी, सॉरी जुबान पे भी ज़रूर चढ़ेगा। वादियों का पूरा मज़ा लेते हुए यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब सर पे जब ठंडी ठंडी हवा पड़ रही है तो महसूस कर सकते हैं, मतलब आप महसूस कर सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा होगा। मतलब एकदम मज़ा इंटू 100 हो रहा है। जमशेदपुर अगर मशहूर है अपने पहाड़ों के लिए, अपनी सफाई के लिए, तो कौन कहता है कि जमशेदपुर
मशहूर नहीं है अपने स्ट्रीट फूड के लिए। आ चुके हैं हम बिष्टुपुर के स्ट्रीट फूड कॉर्नर में और यहाँ पर एक से एक स्ट्रीट फूड आपको मिल जाएगा सस्ते टिकाऊ दामों में। तो चले चलते हैं ठेले पे और पता करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है। 10 मिनट में अच्छा आपको दिखा दिया, यहाँ क्या मिल जाएगा, क्या क्या है भैया? रोल है, मोमोज है। मोमोज कैसे हैं? मोमोज कैसे हैं? कौन सा? वेज 70। मैं मोमोज खाओगे? मोमोज ले लें, कुछ भी ले लो, हमको तो हालांकि यही ठीक लग रहा है। क्या पाव भाजी? तुम मोमोज ले लो, हम मोमोज खाएंगे। एक प्लेट मोमोज कर दो। ये मोमोज है, वेज मोमोज कितने का है? 70 रुपये। सर क्या क्या है? बस मोमो। क्या क्या है भैया, क्या क्या है? चिकन का, चिकन शावरमा रोल है, शावरमा रोल, रुमाली शावरमा रोल स्पेशल। ये शावरमा रोल क्या होता है? वो चिकन का बनाते हैं, चिकन रोल होता है क्या? कितने का है ये? 80 रुपये का। क्या है, कैसे है भेलपूरी? 40 रुपये प्लेट। चिकन रोल कितने का? चिकन रोल, चिकन एग रोल, चिकन रोल, चिकन रोल, चिकन रोल 50 का। 50 का एग रोल। और क्या क्या है भैया? चौमिन राइस, वो कितने का है? अच्छा ये नीचे मैंने पाव भाजी बनकर तैयार है। और ये जो पाव भाजी की प्लेट आप देख रहे हैं, भाई जो खा रहे हैं पूरा मज़ा ले रहे हैं। 70 रुपये का प्लेट है ना। और ये मोमोज है, भाई कितने का दिया मोमोज? 70। ये भी 70 रुपये का है। 70 हर एक माल है। पाव भाजी कितने का है? 70। वो भी 70 का है, हर एक माल 70 रुपये है यहाँ पे। एनीवे यहाँ पर आना है तो यहाँ का आपको लोकेशन, यहाँ का सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक स्ट्रीट फूड का ब्रेक हो चुका है, मतलब एक स्ट्रीट फूड हमने ले लिया है और अब दूसरे की तरफ हम लोग जाने वाले हैं। और ये फिलहाल अभी हम लोग जो खड़े हैं वो है JRD कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर बच्चों को अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं, और हाँ बैडमिंटन हो गया, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाँ स्ट्रीट फूड की बात करें और मसाला कोल्ड ड्रिंक अगर ना पिए तो ये तो नाइंसाफ़ी है, और अगर शीतल चाय ना आए तो ये भी नाइंसाफ़ी है। कैसा लगा मसाला कोल्ड ड्रिंक? बेहतरीन। ठंड में मत कोल्ड ड्रिंक पीने का मज़ा ही क्या लगा ना? शीतल चाय की कोल्ड ड्रिंक। वेल, ये साक्षी का इलाका है, और अगर आपको मेरे पीछे हम दिखाएं तो पीछे बिल्कुल जो है अगर आप देखेंगे तो ये रोड पे अगर सीधा हम लोग जाएंगे तो ये पार्क रोड कहलाती है। और यहाँ पर आपको साक्षी का स्ट्रीट, सारा स्ट्रीट फूड आपको यहाँ मिल जाता है। और एक चीज़ बताने वाली है कि स्ट्रीट फूड है, भले ये लोग ठेले पे लगाते हैं लेकिन पेमेंट सारा डिजिटल मोड है। चाहे पेटीएम कर लो, फ़ोनपे कर लो, गूगल पे कर लो, मोबीक्विक कर लो, कुछ भी कर लो, पेमेंट इन तक पहुँच जाता है। तो ये सारे डिजिटल ढाबाज हैं, डिजिटल ठेलाज हैं, और ये जमशेदपुर की पहचान है कि आप भले ही कितने ही हो सकता है आप स्ट्रीट रोड पे अगर आप खाना खिला रहे हैं लेकिन आपका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा हाई रहता है। तो आपको आगे दिखाते हैं, छोटा सा टाइम लैप्स उसमें आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि ये सारे स्ट्रीट फूड 4 बजे शाम से ही खुलते हैं, उससे पहले आपको कोई नहीं मिलेगा। ये खुले रहते हैं तकरीबन रात के 11:30-11 बजे तक। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा ठेला लगा हुआ है, लाइन से स्ट्रीट्स है। हम लोग खा इतना लिए कि अब हमारे खाने का जो है सारा मकदार ख़त्म हो गया। और आपको लेफ्ट में भी दिखाते हैं, लेफ्ट में भी देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब बड़े हो या छोटे, अमीर हो या गरीब, सब यहाँ पर आके खाते हैं। और यहाँ का स्ट्रीट फूड जो है बहुत बहुत मशहूर है, और ख़ास करके ये वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड्स हमें अक्सर मिल जाता है। और यहाँ का तो कबाब मशहूर है,
और क्या बताऊँ मैं आपको, पानी मुंह में आ रहा है, पेट में जगह नहीं है। एनीवेज, इसी के साथ आज का व्लॉग हम लोग करते हैं ख़त्म, और कल बहुत ही स्पेशल व्लॉग आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे एनर्जेटिक, स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग। ठंडा हमको बहुत लग रहा है, और क्या कहूँ मैं आपको, असाला बसाला खपाला खपाला, बाय फॉर नाउ।